in the previous video we have already done the first paragraph. I will give you a short summary of the first paragraph and then we will continue with the second paragraph. Okay, so the first paragraph says Aunt Jennifer's tiger prance across the screen bright to pace denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. This means that the poet is describing a lady whom she addresses as Aunt Jennifer, जिनको Aunt Jennifer बोला गया है. She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a cloth which could be a tablecloth or a hanging wall. This is not mentioned कि वो कौन सा cloth है, पर वो embroidery कर रही है. This is what the poet told us. She has designed it with beautiful tigers which are running fearlessly in the green forest. So she has designed the cloth with a beautiful tiger which are running fearlessly in the green forest. She has described their beauty. Tigers ki beauty ko describe kara hai by comparing them with a precious yellow stone jiska naam hai topaz. She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest. They are fearless. वो बिल्कुल किसी से नहीं डरते और दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन. हेयर वी सी अ सेंस ऑफ कंट्रास्ट. हमने ऑपोजिट बिहेवियर देखा है यहाँ पर बिटवीन टाइगर एंड आंट. दो द टाइगर्स, टाइगर इज डिज़ाइंड बाय हर. जो टाइगर उन्होंने खुद अपने आप अपने हाथों से बनाया है एम्ब्रॉयडर करके, हु इज फियरलेस. But she herself is scared of her husband. Further, the poet says that tigers are proud and fearless citizens of the forest. They are very shiny and elegant. Okay, so this is what we have done in the first paragraph. Let's come to the next stanza. Let's read first. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. Fluttering matlab trembling, shake hona, shiver karna. Okay. Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Okay, so the literary device used here is alliteration. Alliteration कब होती है? जब कुछ consecutive words में, consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले words जो हैं उनमें दो स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग के दो तीन वर्ड्स में एक ही कॉन्सोनेंट का साउंड आए. नाउ व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? ए टू जेड अल्फ़ाबेट में देर आर फाइव वॉवल्स, ए ई आई ओ यू. बाकी बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. सो यहाँ पर एफ का कॉन्सोनेंट आ रहा है विच इज़ रिपीटेड इन फिंगर फ्लटरिंग. तो यहाँ पर फर्स्ट उसमें यूज़ हुआ है. तो ये दो तीन एक साथ जो लेटर वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें एफ का साउंड उभर कर आ रहा है, प्रिवलेंट आ रहा है. सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, तो एफ का साउंड आ रहा था. देयर इज एलिटरेशन इज यूज्ड. नाउ दिस पैराग्राफ मीन्स दैट द लेडीज फिंगर आर ट्रेम्बलिंग विद फियर ऑफ हर हस्बैंड. मतलब दो द लेडी इज ओल्ड, लेडी ओल्ड है, बट जो उनकी फिंगर्स शेक हो रही हैं, जो उनकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही हैं, वो किस वजह से कर रही हैं? अपने हस्बैंड के फियर की वजह से, डर की वजह से. ओके, थ्रू हर वूल ई फाइंड इवन द आइवरी नीडल टू हार्ड टू पुल. नाउ शी इज़ परसुइंग हर हॉबी इन हर फ्री टाइम. जब वो फ्री हैं, जब उनके पास खाली टाइम है, तो वो अपनी हॉबी दैट इज़ एम्ब्रॉयडरी वो कर रही हैं. बट प्रॉबेबली शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर. बट फिर भी वो अपने फ्री टाइम में जो अपनी हॉबी परस्यू करते टाइम भी वो डरी हुई हैं अपने हस्बैंड से कि मे बी वो उन्हें डांट दे कभी भी. इवन द नीडल इज ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट ऑफ द क्लॉथ. और वो इतना डरी हुई हैं, इतना ज़्यादा उनके हैंड्स शेक कर रहे हैं कि जो निडल है, जो छोटी सी निडल है, वो भी उनके लिए पुल करना, कपड़े से बाहर निकाल के पुल करना डिफ़िकल्ट हो रहा है. वो इतनी हैवी लग रही है उन्हें. देयर इज़ आइवरी नीडल. आइवरी एक टाइप का मेटल
तो नहीं बोल सकते उसको हम, एक टाइप का मटेरियल होता है जिससे निडल बनती है, ठीक है। नाउ द वर्ड अंकल्स वेडिंग बैंड, एज द बैंड वॉज ब्रॉट बाई हर हस्बैंड, इट इज़ हिज टिल टूडे। मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मतलब है वेडिंग रिंग की बात कर रहे हैं जो उनको उनके हस्बैंड ने दी थी, दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय हर हस्बैंड, उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। द लेडी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, और इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो लेडी है वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर हर चीज़ में, इवन इट इज़ मनी एनीथिंग, वो हर चीज़ में डिपेंडेंट है। शी इज़ स्टिल बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ द रिंग, वो जो रिंग का जो बर्डन है वो अभी भी बर्डन्ड है, अभी भी वो उस वेट के नीचे दबी हुई हैं। द वेट मीन्स द एनसर्कलमेंट और द ट्रैपिंग दैट हैज फॉलन अपॉन हर बाय गेटिंग मैरिड टू हिम, और वो जो वेट वर्ड यूज़ करा गया है यहाँ पर, वो वेट का मतलब है यहाँ पर लिखा है ना, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो जो वेट है वो इसका मतलब है यहाँ पे जो वो ट्रैप हो गई हैं, वो जिस जाल में फंस गई हैं अपनी मैरिड लाइफ, अपनी एब्यूजिव मैरिड लाइफ में वो फंस चुकी हैं, और उसका जो बर्डन है वो उन्हें बार बार बर्डन याद दिलाता है, वो रिंग जो वो अपने हाथ में पहनी हुई हैं जो उनके हस्बैंड ने दी थी उन्हें वेडिंग पर। She has been burdened by the obligations of married life. She has becomes the man's property. वो जो obligations हैं वो fulfill करते 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 उस torment से, उस torture से थक चुकी हैं, अपनी husband की desires, wishes fulfill करते करते, अपने married life संभालते संभालते, because it is an abusive one. She's scared. जब भी हम किसी relationship में होते हैं we should not be scared of anyone. But यहाँ पर जो वुमन है वो अपने हस्बैंड से स्केर्ड हैं, डरी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी जो मैरिज है वो एब्यूजिव मैरिज है, और उन्हें ऐसा फील होता है दैट शी हैज़ बिकम द मैंस प्रॉपर्टी, कि वो मैन की प्रॉपर्टी हैं, और वो जो रिंग है वो उन्हें बार बार ये याद दिलाती है कि शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, ये वो रिंग एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर हर। ओके, नाउ शी हैज़ बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड सो मच दैट द वेडिंग रिंग विच शी कुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर हर सीम्स लाइक अ बर्डन टू हर, जो उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटिफुल गिफ्ट होना चाहिए था, अ रिंग, अ वेडिंग रिंग, वो उनके लिए बर्डन बन चुका है। शी हैज़ फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज इन अ मैरिड लाइफ दैट द लिटिल रिंग इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड ऑन हर शेकिंग fingers. This means that the ring is associated with some bad experience. इसका मतलब है कि जो ring है वो कहीं ना कहीं किसी bad experience से associated है. In the form of torture she has faced because of her husband's dominating behavior. ये हो सकता है कि वो torture है जो उनको bad experience याद दिलाती हैं. मे बी उनके हस्बैंड का जो डोमिनेटिंग नेचर है, हमेशा डोमिनेट करने का, हमेशा मेल ऊपर रहने का जो नेचर है वो उन्हें बार बार इस टॉर्मेंट, इस टॉर्चर को याद दिलाती हूँ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द थर्ड स्टैंजा सेज, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल, शी हैज़ मास्टर्ड बाय द tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So the literary device used here is again alliteration. P is repeated in prancing proud, last line prancing proud mein P consonant hai, uska jo sound hai wo prominently aa raha hai, ubhar kar aa raha hai, theek hai. Now this paragraph means that the first line, when aunt is dead her terrified hands will lie, matlab her wish to be free and fearless life is indicated by her choice of design, jo unki wish hai, unki life ki jo wish hai, wo chahti hain ki wo free ho jaye, wo chahti hain ki wo fearlessly jiye, aur jo unki wish hai wo indicate kaise ho rahi hai, jo wo apne cloth par embroider kar rahi hain, that is a tiger jo represent karta hai ek fearless नेस को, फ्रीडम को, ठीक है,
it shows her innermost desire of being strong and fearless, which has been overpowered by her husband. वो उनकी जो innermost, उनके अंदर की जो desire है, जो wish है, वो है free होना, अपनी life अपने मर्जी से जीना, freedom के साथ जीना, पर वो कहीं ना कहीं control हो रही है by her husband. Probably her ordeal will end upon her death. ऑर्डियल का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे इस लाइन में वो कह रही हैं कि मे बी जो उनका जो ऑर्डियल है, जो ये सब एक्सपीरियंस है, जो ये टॉर्चर है, वो कब तभी ख़त्म होगा जब वो मर जाएंगे. एंड शी इज़ डेड. स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. नाउ हर फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स विल बी पुट टू रेस्ट. जो इफ वेन शी विल डाई, जो उनकी फिंगर्स हैं, जो उनकी फ्राइटेंड जो शेकिंग फिंगर्स हैं, वो उनको रेस्ट मिल जाएगा. बट स्टिल इवन आफ्टर डेथ द रिंग शैल रिमेन ऑन हर हैंड. बट जब उनकी डेथ हो जाएगी तब भी जो वो रिंग होगी वो हमेशा उनके हैंड में ही रहेगी. दैट मीन्स हर हस्बैंड रूल ओवर हर इज़ येट नॉट ओवर. मतलब उनकी डेथ के बाद भी जो उनके हस्बैंड का रूल है उन पर, वो ओवर नहीं होगा. दैट वॉन्ट बी ओवर. After her death, her desire of freedom and fearlessness shall remain alive in their in these tigers which she has embroidered. उनका जो टाइगर बनाने का मेन मोटिव है कि मे भी उनकी डेथ हो जाए, बट जो उनकी डिज़ायर है, जो उनकी विश है ऑफ फ्रीडम, ऑफ फियरलेसनेस, कि वो फ्रीडम से जिए, इंडिपेंडेंट होकर जिए, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ इंजॉय करें, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी. उनकी विश हमेशा ज़िंदा रहेगी इन दीज टाइगर्स जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर किए हैं, थ्रू दिस टाइगर्स. ओके, नाउ जो रिंग है दैट इज़ द सोल प्रूफ ऑफ द टॉर्चर्स विच शी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड. तो यहाँ पे एक आयरनी यूज हुई है दैट शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ, बट हर हेयर ऑल्सो द आयरनी ऑफ हर लाइफ इज दैट शी विल be still tied up with the shackles in the form of her husband's wedding ring. इसका मतलब है कि दो वो मर जाएँ, दो उनकी डेथ हो जाए, दो वो इन सब से छुटकारा पा लें आफ्टर हर डेथ, बट कहीं ना कहीं ये आयरनी यूज़ हुई है यहाँ पर कि इवन आफ्टर हर डेथ उन जो वो जिससे वो ट्रैप हो गई, जिस एब्यूजिव मैरिज में वो ट्रैप हुई हैं, वो कभी भी उससे नहीं निकल पाएंगी. और वो इसका सोल प्रूफ है उनकी वेडिंग रिंग, क्योंकि वो वेडिंग रिंग उनकी डेथ के बाद भी उनके हाथ में ही रहेगी. ऑन द अदर हैंड देयर आर टाइगर्स विच आर डिज़ाइंड बाय आंट जेनिफर विच विल ऑलवेज रिसेप्ट हर डिज़ायर और ऑफ लिविंग अ फियरलेस लाइफ बाय जंपिंग प्राउडली एंड ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ. नाउ जो एक तरफ वो जैसी हैं वो हैं, और दूसरी तरफ उनकी डिज़ायर है जो इन टाइगर्स के थ्रू बाहर निकल के उभर कर आ रही है, कि शी वॉन्ट्स टू लिव अ फियरलेस लाइफ. जैसे कि जो टाइगर्स हैं इधर उधर जंप कर रहे हैं, प्राउडली हैं, ब्रेव हैं ऑन दिस पीस ऑफ क्लॉथ. सो हैव वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम एंड जेनिफर्स टाइगर. आई वॉन्ट यू टू रीड द पोम एंड गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू.